हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडिंग फैशन। और आज के इस वीडियो में हम डोरी और टैसल बनाना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डोरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्क्वायर कपड़ा ले लिया है। इसको हम इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर लेंगे, यानी कि तिकोने शेप में इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो डोरी के लिए हम इसमें से पट्टियां काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक इंच का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करने से डोरी अच्छी बनती है और आसानी से पलट जाती है। एक एक इंच का निशान लगाकर अब हम इसे मिला देंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी पट्टी हम काट सकते हैं। तो देखिए, इस निशान से अब हम इसे कट कर देते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा पतली पट्टी नहीं काट रही हूँ, क्योंकि ज्यादा पतली पट्टी काटने से सिलाई अच्छे से नहीं लगती है। पहले आप एक एक इंच की पट्टी ही काटें, बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए, हमारी पट्टी कट चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आधे पैर से कम की ही सिलाई लगानी है, तो ही हमारी डोरी बहुत अच्छे से बनकर आएगी। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। आपकी सिलाई बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, नहीं तो डोरी अच्छे से बनकर नहीं निकलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको लगता है कि सिलाई इधर उधर जा सकती है, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई लगाएं। तो देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है, बिल्कुल एक समान सिलाई लगी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। ज्यादा कपड़ा रखने से सिलाई बिल्कुल सही से लगती है और कपड़ा इधर उधर भी नहीं होता। कपड़ा कट करने के बाद अब हम एक सुई धागे से यहाँ पर टांके लगा लेंगे। धागे को दो तीन बार फोल्ड करके लें और अब मैं सुई की उल्टी साइड को इस डोरी में डाल दूंगी। देखिए, इस तरह से सुई की उल्टी साइड को डोरी के अंदर डाल दें और इस तरह से इसको आगे करके दूसरी साइड हमें सुई निकाल देनी है, जिस तरह से हम नाड़ा डालते हैं। तो देखिए, सुई बाहर निकलने के बाद अब हम धागे को थोड़ा थोड़ा खींचेंगे। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा अंदर करना है। मैं यहाँ पर सुई से ही थोड़ा सा कपड़ा अंदर कर रही हूँ। एक बार कपड़ा अंदर हो गया तो बड़ी आसानी से हमारी डोरी बाहर निकल आएगी। देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप एक साइड से धागा खींचे और दूसरी साइड कपड़े को सीधा करते जाए। अगर आप एक बार में ज्यादा कपड़ा पीछे जमा करेंगे तो इसको सीधा करने में बहुत मुश्किल होगी। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा धागा खींचे और पीछे से कपड़ा सीधा करते जाएं, तो ये हमारी डोरी बहुत अच्छे से निकल आती है। तो देखिए, हमारी डोरी बड़ी आसानी से निकल आई है। डोरी बन चुकी है, तो हम इसके लिए अब टैसल बना लेते हैं। टैसल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े के टुकड़े को दो बार फोल्ड कर लिया है इस तरह से। फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ पर निशान लगा लूंगी। आप जितना छोटा या बड़ा टैसल बनाना चाहते हैं, आप उतना निशान लगा लें। तो मैं यहाँ पर दो दो इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। निशान लगाकर अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे और यहां से हम कपड़े को कट कर देंगे। तो देखिए, हमारे टैसल का कपड़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डोरी रखकर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने से पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। कपड़े की सीधी साइड हम ऊपर कर लेंगे और डोरी को इस तरह से कपड़े के बीच रख के
इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से डोरी को अंदर की साइड रख के कपड़ा फोल्ड करेंगे और ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमारी डोरी और टैसल बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।